बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे इल्तमास है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है और आपके इल्म में कोई कमी नहीं आती। आज ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है विंटर 2009 के पेपर 32 का। ये कह रहे थे कम्प्लेक्स नंबर्स -2+iota and 3+iota denoted by u and v रेस्पेक्टिवली। ये u है और ये v है। फाइंड इन द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई द कम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट का पार्ट ए है। ये कहता है यू प्लस वी। यू प्लस वी, यू है हमारा -2+iota और वी है हमारा 3+iota। तो ये -2+3 आ जाएगा 1+2iota यू प्लस वी। अच्छा, फिर यू अपॉन वी इसी का पार्ट है। यू अपॉन वी, यू अपॉन वी मैन्यूम कर लेते हैं। तो यू अपॉन वी, यू जो है -2+iota अपॉन 3+iota। रेशनलाइज करें, 3+iota 3-iota आ जाएगा, अपॉन के 3-iota। -2 पर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा माइनस का 6 और प्लस के 2-iota, प्लस के 3-iota और -iota स्क्वायर अपॉन 3। ये a प्लस b और माइनस b है, 3 का स्क्वायर 9 -iota स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की माइनस 1 होती है, तो माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, -6+1 ये होगा माइनस के 5, प्लस के 5-iota अपॉन 9+1 10 हो जाएगा। तो ये आ जाता है -5/10+5/10iota जो कि आ गया -1/2+1/2iota। ये यू अपॉन वी की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पार्ट कह रहा है शुंग स्टेट द आर्ग्यूमेंट ऑफ यू अपॉन वी। यू अपॉन वी का आर्ग्यूमेंट वैल्यूम करें। तो आर्ग्यूमेंट देखें यू अपॉन वी का, यू अपॉन वी -1/2 ये रहा, -1/2 और 1/2 तो आर्ग्यूमेंट ये आएगा। आर्ग्यूमेंट बेसिकली ये अल्फा होगा। तो आर्ग्यूमेंट इसका जो है आर्ग्यूमेंट यू का, आर्ग्यूमेंट यू अपॉन वी का, सॉरी आर्ग्यूमेंट यू अपॉन वी बेसिकली इधर ये पाए में से अल्फा माइनस करेंगे, पाए माइनस अल्फा। तो ये आ जाएगा पाए माइनस अल्फा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/2 के। तो आ जाएगा पाए माइनस आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 के। तो पाए माइनस ये आ जाएगा पाए अपॉन 4। तो आर्ग्यूमेंट यू अपॉन वी आ गया 3π/4। ये यू अपॉन वी का आर्ग्यूमेंट। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देखें क्या कह रहा है। 3 में कहता है इन एन ऑर्गन डायग्राम विथ ओरिजन ओ द पॉइंट्स ए बी एंड सी रिप्रेजेंट कम्प्लेक्स नंबर यू वी एंड यू प्लस वी। यानी ओ तो ओरिजन है, ए यू है, बी वी है और सी यू प्लस वी है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज 3π/4π। एंगल ए ओ बी 3π/4π है। फिर कहता है स्टेट फ्री द जोमेट्रिक रिलेशन बिटवीन द लाइन सेगमेंट्स ओ ए एंड बी सी। ओ ए और बी सी के लाइन सेगमेंट को फुल्ली करें। दो मार्क्स का यानी दो रिलेशनशिप जरूर होंगे ऐसे सवाल में, तकरीबन दो रिलेशनशिप होती हैं। आए ज़रा इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट ओ, हमारा ओ तो 0,0 है। हमारा ए कहता है यू है, ए यू का है उसने, और यू बेसिकली है -2+iota जो कि पॉइंट फॉर्म में आता है -2,1। और हमारा बी जो है वो वी है, और वी हमारा है 3+iota। 3+iota पॉइंट फॉर्म में होगा 3,1। और हमारा सी है, सी है यू प्लस वी, यू प्लस वी, और ये है -1+2iota जो कि इस फॉर्म में यू प्लस वी हमारा 1+iota है, सारी 1+iota है गलबन, यू हम निकाल चुके हैं, यू प्लस वी 1+2iota, 1+iota भी नहीं बल्कि 1+2iota। तो ये आ जाएगा 1,2। अच्छा, अब इनको रिलेटिवली हम थोड़ा अच्छी पोजीशन में प्लॉट करते हैं। देखें ये 0, 1, 2, 3, 3 तक जाते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। एक तो ये ओ आ गया, ओ 0,0। फिर ए है -2, 1, -2 और 1, ये ए रहा हमारा, ए -2, 1। अच्छा, बी हमारा 3, 1 है, 3, 1, 2, 1 ये, 3, 1 ये है, बी है 3,1। और सी क्या है, 1,2, 1,2 ये सी है।
अगर आप इनको मिला दें ये हमारा इस तरह बनना है ओ ए बी। अच्छा अब इसने कहा है कि कौन सी एंगल मालूम करें, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज 3/4 पाई। ए ओ बी एंगल, ए ओ बी एंगल ये 3/4 पाई ये वाली एंगल। देखिए ये आप दो बहुत सारे तरीके से मेयर कर सकते हैं। एक तो आप देखें ओ ए की लेंथ मालूम करें, ओ बी की लेंथ मालूम करें, ए बी की लेंथ मालूम करें, कोसाइन रूल लगाएं। लेकिन मैं इसको आराम से कर रहा हूँ। ये देखें ये बी है, ये ए है, ए बेसिकली हमारा यू है और बी हमारा वी है। तो यू का आर्ग्यूमेंट इधर तक है, वी का आर्ग्यूमेंट इधर तक है। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए ओ बी जो है, एंगल ए ओ बी बेसिकली ये है आर्ग्यूमेंट यू का माइनस आर्ग्यूमेंट वी। आप देखें ये ए ओ बी ये एंगल है, और आप अगर आर्ग्यूमेंट देखेंगे रेड पेन से मैं दिखा रहा हूँ कि देखें ये u का आर्ग्यूमेंट इधर तक है और v का आर्ग्यूमेंट ये है, तो दोनों में से माइनस के तो u माइनस v, तो a ओ b ये आ गया। अब आर्ग्यूमेंट u माइनस v आर्ग्यूमेंट होता है u अपान v, और आर्ग्यूमेंट u अपान v हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं वो कितना है 3/4 है। आर्ग्यूमेंट u अपान v निकाल चुके हैं हम, 3/4 पाई है, तो एंगल ए ओ बी भी 3/4 पाई आ गए। अच्छा अब इसका फोर्थ पार्ट जो कह रहा है, फोर्थ पार्ट या थर्ड पार्ट है या फोर्थ पार्ट है, ये किसके दरमियान फोर्थ पार्ट है, ओ ए और बी सी का करें। ओ ए और बी सी डायग्राम से देखें, ओ ए और बी सी ये पैरेलल तो लग रही है और इक्वल भी लग रही है, तो पहले ओ ए का ग्रेडियंट ले लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ओ ए, ओ ए का ग्रेडियंट ले लें तो ये आता है 1-0/-2-0, तो -1/2। फिर आप ग्रेडियंट ऑफ बी सी ले लें, ग्रेडियंट ऑफ बी सी, बी सी का ग्रेडियंट ले लें तो ये आता है कितना 1-2/3-1, ये भी -1/2, ग्रेडियंट सेम आ गया। तो इसका मकसद ये हुआ कि ओ ए पैरेलल है किसके, बी सी के। फिर ओ ए का डिस्टेंस ले लें, ओ ए का डिस्टेंस ये देखें ये आ गया -2 का स्क्वायर 4+1 अंडर रूट में √5, और बी सी का डिस्टेंस ले लें, BC का डिस्टेंस 3-1, 2 का स्क्वायर 4 और +1 का 2, 1-1 का स्क्वायर 1 √5। यानी इसका मतलब ये इक्वल भी है, यानी मैं कह सकता हूँ हैंस ओ ए एंड बी सी आर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो थैंक यू वेरी मच।